अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सिवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार, जो चाहे वो करके दिखाए, उन भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। गोगिया सरकार है आपके शहर में, गोगिया सरकार है। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि देश के जो हालात हैं सबके सामने है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लेकिन बात नहीं हो रही है और ना ही इस मुद्दे पे कहीं चर्चा हो रही है। अगर हो रहा है तो ये हो रहा है कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा की बात हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, ताजमहल पे बात हो रही है कि ताजमहल पहले मंदिर था। हो सकता है, ये मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे मानने से कि इन सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह आज देश की समस्या है। यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की भुखमरी, यहाँ की जो भ्रष्टाचार लिप्त जो शासन प्रशासन दिखाई दे रहा है वो, और इस पर चर्चा ना होना कहीं ना कहीं यहाँ के जो आम आदमी है उसे व्याकुल कर रहा है, उसे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और आज इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों को लेकर के ATN लाइव अपने इस डिबेट में भाजपा के जो नेता हैं, तुर्क नेता है, युवा नेता हैं, सैयद माज अरफी, उनको बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी में आपको एक बात और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में गिने चुने मुसलमान हैं, और आज जिस तरह की तस्वीर पेश हो रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डराना चाहती है, और या तो जो समस्या है भूख, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, इन सब से कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा डरी हुई है। तो ये भाजपा डरा रही है या खुद डरी हुई है, इस पर शायद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे अच्छा कोई अपनी बात को रख नहीं सकता। तो अरफी साहब, आपका स्वागत है। और आपने सुना कि जिस तरह से आज देश के हालात दिखाई दे रहे हैं, देश के जो सूरत दिखाई दे रही है, इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है वो मुसलमानों को डरा रही है, और या तो फिर खुद डरी हुई है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है, इसको क्या कहा जाएगा? सबसे पहले कैलाश जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया ATN न्यूज़ का, खास करके कि आपने मुझे इस डिबेट में मुझे इस लायक समझा और मुझे आपने बुलाया। सबसे पहले मैं आपका जवाब ये देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना किसी को डराती है, ना किसी को डर सताती है।
ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ देश की गति बढ़ा रही है। ये पिछली सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको, कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि पहले जो आबादी थी उस आबादी के हिसाब से उतना खेती होता था, उतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उतना हमारा आर्थिक स्थिति था। जाहिर सी बात है कि आज हमारी आबादी प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब आबादी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे हमारे देश पर बोझ बढ़ेगा। ये आबादी 2014 से बढ़ना शुरू हुई है या पहले भी था? नहीं, 2014 से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 14 के पहले भी आबादी थी, 14 के पहले भी मांग आई थी, 14 के बाद कुछ ज़्यादा गति से बढ़ रही है? नहीं नहीं, कोई गति से नहीं बढ़ रही है। जैसे कि अब देखिए, मान लीजिए एक आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत थिंक टैंक कई लोग हैं जो साध्वी हैं या और भी, उन्होंने कहा हिंदुओं का आह्वान कर दिया कि तुम हिंदुओं दो बच्चे नहीं चार चार बच्चे पैदा करो, तो कहीं उसके वजह से भी ये आबादी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब सब लोग समझदार हो गए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि देखिए अब वैसी हालात नहीं है। अब दो बच्चे को पालन पोषण करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो गई है, दो बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा अभी सबसे ज़्यादा महत्व रखता है चाहे किसी भी धर्म का। मैं कल पेपर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था दैनिक जागरण का, उसमें एक आर्टिकल में दिया था कि मुस्लिम कितने परसेंट पढ़े लिखे देश में है, 2011 का जो सर्वे हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके तहत कितने हिंदू पढ़े हुए हैं, कितने मुसलमान पढ़े हुए हैं, कितने सिख पढ़े हैं, सबका सर्वे था उसमें। तो कहने का चीज़ है कि कितने ग्रेजुएट हैं, कितना क्या है, अभी सर्वे इस साल होना ही है 22 में। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो बात नहीं है, हमारी सरकार का ये है कि आज देखिए कि सड़कें कैसे बन रही हैं, बिजली आपको 24 घंटा मिल रहा है, आपको मान लीजिए कि करप्शन की आप बात करते हैं तो जो अधिकारी या जो नेता करप्शन कर रहा है उसको सज़ा मिल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए रांची में, रांची में आप देख लीजिए कि एक जिला अधिकारी के खजाने का अंबार लगा हुआ है। ठीक है कि हमारी सरकार थी, अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के पैरों तले अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो कितना दिन करेगा, उसको तो सज़ा मिलना ही है। आप सिवान के रहने वाले हैं और सिवान में अंग्रेजों के ज़माने का एक पुल था जिसे तोड़ने में हमें लग रहा है कि महीनों लग गए उस पुल को तोड़ने में, और आपके यहाँ तो ये पुल जो बन रहा है आप ही की सरकार है, आंधी के थपेड़े में वो सारे पुल बह जाते हैं, ये हालात है। देखिए हमारे कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने आए, अंग्रेज हमारे देश में आए तो फूट किए राज डाले। अब कहने का चीज है कि हमारी सरकार पुल का ईमानदारी से काम किए और वो ईमानदारी अब दिखाई नहीं दे रही। देखिए कहने का चीज है कि ईमानदारी हमेशा नजर आती है, ऐसा नहीं है। गांधी सेतु किसके किसके रीजन में बना? ठीक है इंदिरा गांधी के जमाने में बना, लेकिन आज भी वो मजबूती स्थिति में है। क्या पता कहीं कल वो फिर कोई आंधी आ जाए और ये तिनके का पुल फिर कहीं बह जाए। देखिए उस कैलाश जी, उस जमाने का जो ये था आर्किटेक्चर जो थे, उस जमाने में मिट्टी गुड़ ये सब मिल करके चूना वगैरह इससे सुर्खी वगैरह से मिल के बनाया जाता था। अभी का जो ज़माना है माहौल के हिसाब से आदमी चेंज होते रहता है, उस तरह मान लीजिए कि अब सीमेंट बालू का ज़माना है, रड का ज़माना है, तो हो सकता है कि हमारे इंजीनियर उसमें विफल होंगे। ठीक वैसे ही कि जब 74 रुपये का तेल था तो आपको महंगा दिखाई देता था, आप लोग सड़क पर उतर जाते थे। 450 रुपये का सिलेंडर था तो आपको महंगा दिखाई देता था, आप सड़क पर उतर जाते थे। लेकिन आज 1100 रुपये का सिलेंडर है, 118 रुपये का तेल है, वो महंगा नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक ऐसे ही शायद पुल का भी काम चल रहा है। नहीं नहीं देखिए महंगाई की बात जैसे जैसे मैंने बोला ना कि जैसे इंसान की ज़रूरियात पड़ेगी। अब बताइए पहले पूरे देश में एक एम्स था और भारत के लगभग करीब करीब 22 स्टेट में, हर स्टेट राज्य में कम से कम 2-3 एम्स बने हैं, मेडिकल सुविधा भी बढ़ी है, एजुकेशन का हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं। तो निश्चित तौर पे जब आदमी पर बर्डन बढ़ेगा तो थोड़ा सा तो बढ़ाई बढ़ेगा ही। मान लीजिए कि अब आबादी, हमने आपसे पहले ही सवाल किया कि आबादी जब बढ़ेगी तो एक कमाने वाले पहले थे, 10 खाने वाले थे, अब हुआ क्या है कि 10 खाने वाले हैं तो 10 कमाने वाले भी हैं। उसमें अब हर चीज़ की इंसान की ज़रूरियात भी बढ़ गई है। मान लीजिए कि पहले आमदनी बढ़ी हुई है? नहीं आमदनी भी बढ़ी है, ऐसी नहीं है,
अगर मान लीजिए कि आपने कभी दुकानदारों के पास जा करके उनके दर्द को समझने का प्रयास किया है, उनकी दुकानदारी चौपट हो गई। हम किसान भाई की बात कर रहे हैं, दुकानदारों की बात कर रहे थे। पहले 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो गेहूँ खरीदा जाता था। आज सरकार ने एक रेट तय कर दिया है कि 20 रुपये केजी आपको गेहूँ खरीदना है। सपोज दैट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो 200 रुपये लीटर तेल खरीदना है, सरसों का तेल खरीदना है, उसके बिना सब्जी आपकी बनेगी नहीं। और आपके जो ये आपको ये इकोनॉमिक मिनिस्टर जो हैं, वित्त मंत्री हैं, वो कहती हैं कि लहसुन प्याज खाना छोड़ दो। हो सकता है कल वो भी कह दे कि सरसों तेल भी छोड़ दो। नहीं नहीं, सरसों तेल देख, मैंने कहा कि अगर किसान से जब कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो उसका सीधे डायरेक्ट फायदा किसान को जाता है। किसान से ले कर करके उसको मैन्युफैक्चरिंग कर करके तब मार्केट में लाते हैं। महंगाई बढ़ी है, इस बात को मैं इतराज नहीं कर सकता हूँ। आप मानते हैं महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। लेकिन ये आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप आज आप देख लीजिए, आप भी देखते होंगे टीवी, जो नेशनल चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन पे महंगाई पे चर्चा नहीं होती है। उन पे चर्चा होता है कि भाई हनुमान चालीसा मातोश्री के आगे बैठ के पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। क्या आप एक चीज़ हमें बता दीजिए, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं ये ऐलान करूँ कि मैं माँ जारफी भाजपा के जो नेता हैं उनके घर के आगे सुंदरकांड का पाठ करूंगा, ये आपको अच्छा लगेगा? देखिए, ये चंद लोग हैं, हमारे मज़हब में भी चंद लोग हैं और हिंदू समाज में भी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। कुछ लोगों की गलत ज़हनियत के वजह से पूरी कौम बर्बाद होती है। दंगा होता है तो दंगाई तो बच जाते हैं, लेकिन लूटा कौन जाता है? व्यापारी लूटे जाते हैं, शरीफ निर्दोष लोग जेल जाते हैं, और जो मेन अभियुक्त होता है, मेन दंगाई होता है। इन दंगाइयों को पकड़ेगा कौन? सरकार आपकी है, ऊपर में सरकार आपकी है, नीचे में सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, आखिर इनको पकड़ेगा कौन? नहीं नहीं, हमारी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ कहाँ दंगा है, कहीं कहाँ कुछ है। आप बिहार में एक भी बताइए कि कहीं दंगा हुआ है? जब से नीतीश कुमार और हमारी बीजेपी की सरकार है तभी एक भी दंगा नहीं हुआ। आज पूरे देश के हालात खराब हैं। हाँ, अब मेन मुद्दे की बात छोड़ करके अब ये कहा जा रहा है, कौन नहीं जानता है, दुनिया के 7 अजूबे में ताजमहल का एक स्थान है। 7 अजूबा जो है उसमें ताजमहल का भी है, और ताजमहल के लोग लेकर के एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। देखिए, हाँ, आज देश में क्या समस्या की कमी है? नहीं नहीं, समस्या की कमी से मैं परहेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ताजमहल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि पढ़ करके आइए, आप जाइए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और उस पर रिसर्च करके पढ़ के आइए। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा है कि मैं ताजमहल को तेज। प्रधानमंत्री जी, जिन लोगों ने इस तरह की आवाज़ को उठाया है उस पर तो अंकुश भी नहीं लगाया उन्होंने। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री का सीधे कहना है कि हमको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलना है। हमने कहा ना कि कुछ लोग अपनी गलत बयानी से समाज को तोड़ना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है। 2015 से जब से लेकर के अभी तक हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं हुआ है। आज हमारे विदेशों में रिलेशन हुआ, हाँ, महंगाई एक बैग जो अभी परेशानी जो पेट्रोल डीजल की बढ़ी है, युद्ध है, युद्ध के वजह से पूरे दुनिया और में टैक्स नहीं है। आपने इतना टैक्स बढ़ा दिया है, युद्ध हो सकता है, हो सकता है, हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं लगता कि आपने टैक्स इतना बढ़ाया हुआ है जिसकी वजह से बढ़ी हुई। देखिए, टैक्स बढ़ने का रीज़न क्या होता है कैलाश जी, कि एक्चुअली क्या है कि देखिए, हमने बताया ना कि स्वास्थ्य पर हमारी सरकारें खर्च कर रही है, सड़क पर खर्चा कर रही है, तो और जो भी आपको सर अर्फी जी, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे सड़क का। ये बता दीजिए कि सड़क पे आज अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो रोड टैक्स, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पे रोड टैक्स एक जमा होता है और बड़ी मोटी रकम जमा होती है, और उसके बाद भी जब अब गाड़ियाँ जब चल रही हैं तो टोल टैक्स भी दे रहे हैं। एक मुर्गी को कई जगह हलाल किया जा रहा है। देखिए, कहने का चीज़ है कि ये तो अभी हमारी सरकार तो ये बनाई नहीं है, ये तो आज़ादी के बाद से जब संविधान बना जब रूल ये टोल प्लाजा का तो सिस्टम अभी आप ही की सरकार ने, आप ही के गडकरी जी इस गडकरी जी की है, लेकिन इससे पहले भी चला। आखिर वो हम टैक्स जब रोड टैक्स देते हैं वो क्या है, और ये टोल प्लाजा दे रहे हैं तो वो क्या है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार आपकी एकदम आम आदमी को चूसने का? कहो, देखिए, हमने कहा कि हमारी सरकार अगर चूसेगी तो हमारे पूर्ण बहुमत से कैसे 2019 में आती? हम अगर डेवलप की बात कर रहे हैं, जाती जगह तो नकार भी दिया आप लोगों ने।
देखिए देखिए पार्टी को नकार कहने का चीज़ है कि जब युद्ध में दो आदमी लड़ता है तो एक हारता है एक जीतता है। हो सकता है कि वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री की कमी तो नहीं है, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट बिहार में चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव हो रहा है, हमारी गठबंधन की सरकार है, अगर पराजित हम हो जाते हैं, जैसे अभी आप देख लीजिए यहाँ का उपचुनाव हुआ था उसमें हमारी पार्टी बोचा का वहाँ हमारी पार्टी को हार का हुआ, तो वहाँ वो लोकल मुद्दा था वहाँ पर कुछ जाति के लोग ने विरोध कर दिया, विरोध करने का रीज़न हुआ कि हमारी हार हो गई, तो उसको हम केंद्र से की राजनीतिक से नहीं जोड़ सकते हैं। रहा बात कि महंगाई बढ़ी है, युद्ध हुआ है, इस पर प्रधानमंत्री जी विचार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर फिर अपने स्थिति में देश का स्थिति हो जाएगा। और श्रीलंका की जहाँ तक बात है तो श्रीलंका के हालात और भारत के हालात बिल्कुल डिफरेंस है, दे रहे वहाँ डिफरेंस है। वहाँ भी जब आप पढ़िएगा उसके इतिहास को पढ़िएगा तो वहाँ 70 और 30 की लड़ाई, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो 70 और 30 की बात करते थे, आज वही उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। आज अभी यूपी सहित 5 स्टेट में चुनाव हुआ और वहाँ पे आपकी पार्टी ने कहा कि नहीं भाई कहीं लड़ाई नहीं है, 80 और 20 की लड़ाई है, वहाँ 70 और 30 की थी, यहाँ 80 और 20 की लड़ाई है और 5 राज आपने पाया। देखिए कैलाश जी एक बात बता देते हैं, ये क्षणिक तो लाभ तो मिल जाएगा लेकिन आप लंबे समय तक राजनीति के पीछ पे बैठिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपको ये बात हम इससे नकार रहे हैं इसलिए कि हमारी जो सरकार है, अगर मुसलमानों ने भी यूपी में वोट दिया है, जहाँ जहाँ स्टेट में हुआ मुसलमानों ने दिया। अब ये एक ही चीज़ बता दीजिए कि 80 और 20 की बात हुई थी या नहीं हुई? हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था 80-20 का। मैं आपके मुख्यमंत्री जी योगी जी का बयान है वो कहिएगा तो मैं इसी डिबेट में बीच में चला के दिखाऊं। नहीं नहीं, योगी जी ने ये कहा था, ये मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन योगी जी ने कहा था कि 20% जो लोग हैं वो 80% के भाई के तरह हैं, उनके साथ नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने देखिए वहाँ पे क्या है कि लोग सोच रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ मुसलमान है, ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने भी योगी जी को वोट दिया। और रहा बात की प्रधानमंत्री आवास योजना से घर जो बन रहा है क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है, मुसलमानों को भी घर मिल रहा है, मुसलमान भी। एक आरोप आप पे लग रहा है कि आप लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं। नहीं, हम क्यों डराएंगे, 200 रुपये किलो हो सरसों का तेल क्या हिंदू खरीद रहा है सिर्फ, मुसलमान भी खरीद रहा है, ऐसा नहीं है, मुसलमान भी खरीद रहा है, सिख भी खरीद रहा है, ईसाई भी खरीद रहा है। अगर गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का हुआ है तो सभी धर्म के लोग खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी को या योगी जी को अगर हिंदुओं से इतनी मोहब्बत होती तो वो उन लोगों के लिए 80 रुपये कर देते, हम मुसलमानों के लिए 100 रुपये कर देते, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, बात मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, कुछ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस पर प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं, युद्ध जैसे ही समाप्त होगा या कुछ उसके लिए विकल्प किया जा रहा है। अब देखिए पेट्रोल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गाड़ियां पहले हर घर में एक रहता था, एक मोटरसाइकिल रहता था, आप किसी के घर में जा करके आप देखिए लोन की सुविधा हो गई, EMI की सुविधा हो गई, एक एक घर में 5-5 मोटरसाइकिल है। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे पास 2-2 कार है, 2-2 मोटरसाइकिल है, तो आप बताइए कि जब लोग तो कह रहे हैं कि आज देश का सारा पैसा भाजपा के लोगों के पास है। नहीं, भाजपा के लोगों के पास कह लिए चला जाएगा भाई, हम व्यवसाय करेंगे तभी तो मेरे पास आएगा, ऐसा थोड़ी है कि भाजपा के लोग लुटे रहे हैं, जाके बैंक से लूट ले रहे हैं या रोड से किसी से ले रहे हैं। अच्छा, 2024 में अरफी साहब 2024 में चुनाव होना है, असेंबली का चुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव होना है, और उसमें क्या लगता है आपको कि ये सब बातें मुद्दा बनेगी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनेगा या फिर ऐसे ही झाल बजाते हुए और हनुमान चालीसा करते हुए ये भी चुनाव? देखिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में 2024 का चुनाव होगा और महंगाई और जो ये अजान और चालीसा की जो बात है, हमने एक ही बात कहा कि उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मेरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, एक दिन रामलीला में भाषण हो रहा था, आप कभी दिल्ली जाएंगे, रामलीला के जस्ट सटे दीवाल में एक मस्जिद है, वहां पे अजान हो रही थी, प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण को रोक दिया, बहुत सारे लोगों ने हुडिंग भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अजान ख़त्म होने के बाद से आवाम को कहा, जो सुनने भाषण आए थे उनको कहा कि अजान हो रही थी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने अपना भाषण रोका। जब प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के साथ डेवलप की बात कर रहे हैं, आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप ठीक है कि महंगाई की बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आज पूरा अमरीका सब, हम
पाकिस्तान से आप मेरी तुलना करते हैं, पाकिस्तान क्या है, कल तो आप हमको नेपाल से तुलना कर दीजिएगा, हमारी तुलना करना है तो परिस्थितियाँ कुछ वैसे ही बनती जा रही है। हमारी तुलना करना है तो अमेरिका से करिए ना, अमेरिका के प्रधानमंत्री रूस के, अभी युद्ध के दरमियान आप देख लीजिए कैलाश जी कि हमारे रूस के विदेश मंत्री सब लोग आए हैं, भारत की तरफ एक ओछी निगाह से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देश के हालात, हमारी जो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ भारत को डेवलप करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपको 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 महसूस हो रहा है कि देश के हालात अच्छे नहीं है? नहीं, हम बहुत अच्छे हालात हैं, हम महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है इसे कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन सबको जो आप कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष को सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है, ये महंगाई सबके लिए बढ़ा है, हिंदुओं मुसलमानों सिख ईसाइयों सबको। और रहा बात कि हमने फर्स्ट आपसे कहा था कि आबादी बढ़ी है, आबादी जब बढ़ेगी एक कमाने वाले रहेंगे और 10 खाने वाले रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि महंगाई बढ़ेगी, इस पर चीज़ें। चलिए, आपने देखा कि सैयद माज आरफी जो भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर नेता हैं, उनसे अभी एक हम चर्चा कर रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डराने का काम कर रही है या खुद डरी हुई है, और इस पर माज आरफी ने अपनी बात को, अपनी सरकार के पक्ष को बड़ी खूबसूरती से रखा है। हालांकि कई जगह वो स्वयं मानते रहे कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन अब देखना है कि आने वाले 2024 में जब मोदी जी की अग्नि परीक्षा होने वाली है उस समय क्या ये, अभी चूंकि वक्त है, उस समय तक अगर सरकार कुछ कंट्रोल कर लेती है तो हो सकता है कि मोदी जी दोबारा आ जाए, लेकिन अगर कुछ कंट्रोल नहीं हुआ तो बाकी राम जाने क्या होगा। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं, LED TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल, इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू, फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज मिले डॉक्टर दानिश से, आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945298789312293। सिवान में खुल गया मेंस वेयर का एक्सक्लूसिव ब्रांडेड शॉप, जहां आपके लिए मिलेंगे लिवाइस, पेपे, सिंबोल, डेनिम सहित और भी कई ब्रांडों के जीन्स। वहीं एक से बढ़कर एक शर्ट, टी शर्ट, प्रिंट शर्ट और वो भी बाजारों की अपेक्षा कम कीमत पर। करनी हो मेंस वेयर की खरीदारी तो आज ही चलें ब्रांडेड शॉप, फर्स्ट फ्लोर जिला परिषद मार्केट, SDO गेट के सामने, महादेवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9955550271 9917400128। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।